भैया जूपेटर के देंगे जुपिटर वाली बयालीस जाएगी और कौन सा मॉडल है दो हज़ार अठारह मॉडल बयालीस कितनी चली हुई टोटल मीटर में तो होगा आ, देखो आप देखो। तो भाई मीटर में कितनी चलिए ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी अठारह मॉडल तो टायर चेंज करा रखा है बंदे ने टायर भी कैसा हुआ है गाड़ी पीछे हुई है और ये जुगाड़ कर रखा है इसकी बॉडी का नहीं है पीछे से भैया बयालीस से कुछ कम हो जाएगा क्या हो जाएगा तो और ई एम आई वगैरह अवेलेबल है ई एम आई वगैरह मतलब मिल जाएगी अगर लेना चाहें तो और गारंटी वारंटी आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं गारंटी गारंटी नहीं तो ये जो बाईस हज़ार चलिए इसका रिकॉर्ड होगा ऑन पेपर

किसी ऐसी वेबसाइट से जाके वहाँ पर किसी पर्टिकुलर बंदे को पकड़ के उससे बाइक ले सकते हो या फिर अपने नेबर्स में देख सकते हो पड़ोसी में कि यार आपके पड़ोसी में कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो बाइक बेचना चाह रहा है या कोई आस पड़ोस में जो मकैनिकों की दुकान होती है वहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को एक बाइक परचेज करनी है अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो मेरा ये नंबर है मुझे उसको मतलब बता देना डिटेल वगैरह दे देना जो भी पैसे होंगे आप ले लेना ऐसी कोई दिक्कत नहीं डील अगर हो जाती है तो मैं आपको हज़ार पाँच सौ रुपए दे दूंगा उससे ये फायदा होगा कि एक तो आपको मकैनिक मिलेगा ठीक है दूसरा आपको एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते वो वो मकैनिक आपको चीट नहीं करेगा ठीक है तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा अब आपको मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ देखो यार अगर आप डीलर के पास जाते हो बाइक लेने के लिए मैं हमेशा से डीलर को लेकर बाइक को रोकता हूँ आप बाइक वहां परचेज मत करा करो उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं मैं आपको बहुत सारे ऐसे रीज़न बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा गलत लगेंगे सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है डीलर बाइक कहाँ से उठाते हैं ये आपके मन में आता हूँ डीलर बाइक उठाते हैं शोरूम से जो शोरूम में हम एक्सचेंज में बाइक छोड़ के आते हैं वो डीलर सारे सारे क्या करते हैं शोरूम के जाते हैं अंदर और एक्सचेंज वाली बाइक को लेते हैं और एक्सचेंज वाली बाइक को लेने के बाद वो पूरी तंपरेली वे में एक टेम्प्रेरी वे में उसको ठीक कराते हैं अपने मकैनिक से हर डीलर के पास एक मकैनिक होता है और एक सर्विस सेंटर होता है जिसमें वो अपनी बाइकें रिपेयर करवाता है अब गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स वगैरह डालते हैं ना डीलर वो ज़्यादातर लोकल पार्ट्स में पुर्जे में वो डील करते हैं ठीक है फॉर एन एग्जाम्पल वो सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देते हैं सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं पूरी बॉडी के वर्क के ऊपर अगर आपकी गाड़ी आपको चाहिए तो सबसे पहले आप क्या देखोगे एक तो देखोगे गाड़ी चमक कितनी रही है साइन कितनी कर रही है टायर कौन से हैं तो ये सब चीज़ें देखोगे देखो यार अगर गाड़ी के अंदर टायर डलवाना है ना सस्ता टायर बढ़िया टायर सप्लाई

अगर हम डीलर के पास जा रहे हैं बाइक लेने के तो वो क्या करते हैं इंजन की अगर स्थिति खराब होती है तो उस इंजन की स्थिति को ठीक करने के लिए वो उसमें रिंग डलवा देते हैं या फिर लोकल पिस्टन डलवा देते हैं अगर वो पिस्टन लोकल डलवा रहे हैं तो कॉमन सी बात है गाड़ी की इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी पर वो लंबे टाइम तक के लिए नहीं होती और वो क्या करते हैं वो गाड़ी को चमका के एकदम खड़ी कर देते हैं और जैसे ही कोई क्लाइंट आता है उनको स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि हाँ भी ये देखो स्टार्ट करके देख लो गाड़ी एकदम बढ़िया है गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं इंजन इंजन को लेकर ये 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 चीजें होके हैं अब अगर वो गाड़ी काफी सारे जो क्लाइंट होते हैं उनको जो गारंटी भी मिलती है डीलर जो होते हैं गारंटी देते हैं अब गारंटी का पैटर्न क्या होता है वो गारंटी ऐसे पार्ट्स की देते हैं जो कि गारंटी को लेकर कभी खराब ही नहीं होता पीछे के सोकर की गारंटी दे दी आगे के सोकर की गारंटी दे दी ठीक है इलेक्ट्रिकल वर्क में गारंटी दे दी बैटरी की गारंटी दे दी इंजन के अंदर कोई ऐसा पुर्जा चैम्बर की गारंटी दे दी चैम्बर के बैरिंग में गारंटी दे दी भाई ये सब चीज़ ये सब जो चीज़ें होती है ना कभी खराब नहीं होती थी जल्दी जो कि आप चेंज कराना चाहते हो गारंटी में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है डीलर आपको हमेशा अट्रैक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर आपको बाइक एकदम चमकती हुई दिखा देंगे जिससे आप अपना अट्रैक्ट में भड़कावे में आ जाओगे एक भड़कती चीज़ आप देखोगे ना तो लेने का मन आपका करेगा सबसे पहला पॉइंट इसीलिए मैं आपको रोकता हूँ डीलर से बाइक लेने के लिए अब दूसरा ऑप्शन क्या है अगर आप बाइक डीलर से लेना चाहते हो तो कैसे आप उनसे अच्छी बाइक परचेस कर सकते हो यह एक बहुत बड़ा पैटर्न होता है देखो यार अगर आपको बाइक परचेस करनी है सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर आपके नेबर में कोई नियर बाय पड़ोसी है तो उस पड़ोसी के अंदर कोई मकैनिक की दुकान है और मकैनिक की दुकान वाले बंदे से आपकी बहुत अच्छी बातचीत है तो उसे आप हजार पांच सौ रुपए जिस दिन आप डील करने जा रहे हो बाइक की पचास साठ हजार की बाइक लेने जा रहे हो तो अपने पड़ोसी में जो मकैनिक है उस मकैनिक को दो सौ तीन सौ दो और उसको साथ में ले जाओ आप उसे डीलर को मत बताओ कि मकैनिक है उसे ले जाओ साथ में और अपनी डील के हिसाब कम्युनिकेशन के हिसाब से आप उस बाइक को उस मकैनिक को चेक कराओ और उस मकैनिक को जब आप चेक कराओगे तो वो मकैनिक क्या करेगा अपने नजरिए से हर चीज बारीकी से देखेगा होता ना तजुर्बा जिसको होता है ना वो अच्छे से आपको बता सकता है कि आपके पैसे कहाँ कौन से कितने बच रहे हैं आप अच्छी चीज ले रहे हो या बुरी चीज ले रहे हो अगर मैं आपको आज ही का एक पैटर्न बताऊँ तो आपको बता देता हूँ तो आज भैया है मेरे पास एक पल्सर टू लेकर अब उस पल्सर टू के अंदर इतना ज्यादा खर्चा था कि जितने की बाइक नहीं थी पर उन्होंने बाइक को पचपन हजार की परचेज करी थी दो मॉडल अगर एक मैकेिक हो या डीलर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बार मुझे कमेंट कमट कर क्या उन्होंने पचपन की सस्ती

तो ये कि बी एस सिक्स बाइक आप बिल्कुल भी परचेस मत करना है डीलर से अगर आप बी एस सिक्स बाइक परचेस कर सकते हो उसमें तीन चीज़ें बिल्कुल ध्यान देनी है आपको पहला गाड़ी मिसिंग नहीं करनी चाहिए दूसरा गाड़ी की लाइटें सही होनी चाहिए बैटरी सही होनी चाहिए और तीसरा गाड़ी कम चली होनी चाहिए कम मतलब बीस हज़ार पंद्रह हज़ार अठारह हज़ार किलोमीटर चली होनी चाहिए और अगर गाड़ी आपको एक बता देता हूँ डीलर से जब आप गाड़ी लेने जा रहे हो ना तो कोशिश करो चालीस पैंतालीस हज़ार पैंतीस हज़ार तक की गाड़ी लो इससे ऊपर अगर आप बाइक पुरानी परचेस करते हो तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप पुरानी बाइक परचेस करो पचास हज़ार साठ हज़ार रुपये की बाइक क्योंकि इतने रुपये की बाइक लेने से बढ़िया है ये एक नई बाइक निकलवा लेना क्योंकि यार इतनी महंगी बाइक ले रहे हो पुरानी वो भी सेकंड ओनर पर गाड़ी है पता है जब वो बाइक बेचोगे ना तो वो थर्ड ओनर पे जाएगी और थर्ड ओनर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरदर्द और बहुत ही कम वैल्यू तो ये चीज समझो आप पुरानी बाइक लेने का मतलब होता है किसी दूसरे की बाइक की इस्तेमाल करी हुई बाइक आप उसे अब इस्तेमाल करोगे तो उसने किस तरीके से चलाई है कैसे चलाई क्या पता ठीक है ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान देनी है अगर आप कोई भी बाइक परचेज करना चाह रहे हो डीलर से और वो पुरानी बाइक है तो ज़्यादा पुरानी बाइक नहीं होनी चाहिए मतलब ये दो अगर आप दो में इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास बाइक लेने का मन है आपको तो 2020 2019 इससे नीचे की गाड़ी मत लेना 2019 2020 2021 22 हजार तेईस तक की गाड़ी ले लेना आपको 2019 में अगर आपको पल्सर भी परचेज करनी है ना तो 2019 मॉडल की पल्सर आराम से आपको 50000 45000 की मिल जाएगी अगर आप किसी ढंग के बंदे से बात करते हो ढंग का बंदा बन के अगर आपको कोई बाइक परचेज करनी भी है और डीलर पर आपको पसंद आ गई है तो सबसे पहले तो उसकी अच्छाई मत देखो उसकी कमियाँ देखो कि उस बाइक में कितनी सारी कमियाँ आपको नजर आ रही हैं और जो बंदा बाइक के आपको जो चीज दे रहा है वो लिखित में लो क्योंकि लिखित के आगे बकत की नहीं चलती है अगर आप किसी भी चीज को उससे ले रहे हो तो लिखित में हर चीज ले लो अगर वो बोल रहा है संपूर्ण तरीके से इसकी गारंटी है यह है तो हर चीज को बारीकी से लिख लो क्या भाई ये ये चीज़ आए आए पे ये, ये फॉलो होती है और दूसरी चीज अगर आप कोई भी बाइक उससे परचेस कर रहे हो तो किसी भी बाइक की एनओसी लेटर जो होता है अगर वो बाइक फाइनेंस है कभी कभी क्या होता है एनओसी लेटर फंस जाता है और हमें बाद में दिक्कत होती है गाड़ी आगे बेचने में हम तो ले लेते हैं हम तो यूज़ कर लेते हैं जब साल छह महीने हम चलाते हैं तो गाड़ी आगे होती हमें और जब हम जिससे हमने गाड़ी खरीदी होती है उसके पास जाते हैं तो बंदा बोलता है कौन सी बाइक कैसी बाइक मुझे नहीं पता मैंने दी थी वो हाथ खड़े कर लेता है तो इसीलिए पुरानी बाइक जब आप परचेस करना चाह रहे हो तो आपको एनओ सी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ध्यान देना है कि वो है या नहीं है अगर वो फाइनेंस है गाड़ी तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अगर आपको फाइनेंस नहीं है गाड़ी कैश में है तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना है इसके अलावा मैं आपको एक सलाह दूंगा अगर मैं आपकी जगह हूँ तो अगर आप गाड़ी कोई परचेज करना चाहते हो तो आपको मैं सलाह दूंगा चाहे कोई कोई भी बाइक लो कोई सी बहुत सारी बाइक आती है आपको मैं सलाह दूंगा आप ज्यादा ऊंचे मॉडल की गाड़ी लेने की कोशिश करो और ज्यादा कम चली हो गाड़ी मतलब बहुत ही कम चली हो गाड़ी पंद्रह हजार दस हजार रुपये कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी का पैंसठ हजार सत्तर हजार पचास हजार पचपन हजार चली हुई गाड़ी लोग हैं ना आप तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको और मैं उम्मीद करता हूँ नुकसान से बचोगे और इस वीडियो को देख के समझोगे अगर आपको मैंने वीडियो में कुछ भी गलत बताया है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे साथ जितने भी स्टेटस होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी जानकारी देता हूँ मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ट्यूजडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है अगर आप चाहो तो मेरी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर